हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक पेपर शेयर से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर एक पेपर जो इंडस्ट्री है उसमें एक पर्टिकुलर शेयर है ओरिएंट पेपर करके, मतलब मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूं उसका चार्ट। आप देख सकते हो आपके सामने ओपन हो चुका है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री। तो क्या ये शेयर हमें एंटर कर लेना चाहिए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, सर क्या ITC इस कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रहा है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज मुझे आ रहे हैं, क्योंकि ये शेयर का जो प्राइस रिवर्सल हम लोगों ने देखा है वो बहुत ही अच्छा खासा लेवल में टेम्पररी स्केल के लिए देखने को मिला था। तो पूरी बातें हम लोग करने वाले इस शेयर से जुड़ी हुई, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेपर सेक्टर से भी रिलेटेड, एंड फ्यूचर में क्या करना चाहिए, एंड मेरी अपनी राय भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या मैं इसमें एंटर करूँगा या नहीं। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि पेपर शेयर आप सभी लोगों को अच्छा खासा प्राइस रिवर्सल में देखने को मिल रहा है। मतलब मैं आप इसी शेयर की बात करूं जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 52 लोगों ने कमेंट किया था इसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, सर क्या हम लोगों ने ये शेयर में एंटर करना चाहिए? 5 दिन पहले का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये शेयर का प्राइस हम देख सकते 29 रुपीज़ तक डाउन था। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये 23 तक अगर ये हम लोगों का शेयर मिलता था। तो इतनी ज़बरदस्त प्राइस रिवर्सल कैसी हुई, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी, आप सभी लोगों को पता है, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि इंडिया में से हम लोग प्लास्टिक को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये प्लास्टिक को हटाने की शुरुआत ये पहले स्टेट लेवल से स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, डेवलप स्टेट है, उन्होंने ये स्टार्टिंग कर दी थी, जो कि बाद में अच्छा सपोर्ट आ जाने के बाद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे ये कहा है कि हम लोग प्लास्टिक इंडिया में से हटा देने चाहते हैं। एंड सभी लोगों को पता है अगर प्लास्टिक हट जाएगा तो उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट कागज़ ही होता है, जिसके वजह से हम लोगों को जितनी भी पेपर शेयर से जुड़ी हुई कंपनी है वहाँ पर हम लोगों को एक जंप देखने को मिल रही है। एंड ये एक्चुअल रीज़न है जिसके वजह से हम लोगों को प्राइस रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर फिलहाल की मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट में अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, डाउनफॉल इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, मार्केट एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है। बट स्टिल ऐसे पैटर्न में भी हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा शेयर जो इतना छोटा है, एंड छोटे शेयर्स में आप सभी लोगों को पता है कि जो ये मूवमेंट रहता है रैली का वो बहुत ही धीमे रहता है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट आप देख सकते हो कि 23 का शेयर अभी 32 पे आ चुका है, एंड जो इसकी क्लोजिंग भी है वो भी अप ट्रेंड वाली है। तो बहुत सारे लोग यही सवाल पूछ रहे थे, सर क्या पेपर शेयर हम लोगों ने सिलेक्ट करने चाहिए, एंड अगर सिलेक्ट करने तो क्या ओरिएंट पेपर ये सही शेयर है सिलेक्ट करने के लिए? दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ कि पेपर शेयर से जुड़े हुए कोई भी शेयर मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता। इसके पीछे भी मेरा अपना खुद का लॉजिक है। फॉरन ए बेस्ट एग्जाम्पल, प्लास्टिक को कैसे अभी बैन करने की बात ही कर रहे हैं, एक ज़माना फ्यूचर में ऐसा आएगा कि पेपर के ऊपर भी बैन आ सकता है। हाँ दोस्तों, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, ये किधर बुक में आप लोगों को लिखते हुए देखने को नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हो रही है, एंड इसी का नतीजा आप लोगों को ये फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। ये ग्लोबल वार्मिंग को रुकाने के लिए ये जो ट्री कट हो जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है पेपर कहाँ से बनते हैं, तो पेड़ को काटने ही बना पेपर बनते हैं। तो कभी ना कभी फ्यूचर में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब पेपर सेक्टर को भी आप देख सकते हैं फटका लग सकता है, जैसे प्लास्टिक सेक्टर को अभी जैसे फटका लग रहा है वैसे। तो सिमिलर भी ये पेपर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ट्री को कट किए बिना पेपर क्रिएट नहीं होते अच्छे खासे लेवल पे, आप सभी लोगों को पता है। इसलिए ये लॉजिक मैंने लगाया जो बहुत ही आप बोल सकते छोटे लेवल का लॉजिक है, एंड इसी बेस के ऊपर अगर हम लोग देखते तो मैं कोई भी पेपर शेयर अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूँ। तो ये तो हो गई मेरी बात, बट जितने सारे लोगों ने, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था सर क्या ये शेयर में एंटर करना चाहिए क्योंकि ITC ये कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप लोगों ने जितने लोगों ने भी ये जो डाउट पूछा था कि ITC इसको खरीद सकती है, तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बार ITC ने इसको ट्राई किया था। ITC को ये कंपनी चाहिए थी क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ITC का भी पेपर सेक्टर से जुड़ा हुआ हम लोग बात बोल सकते हैं, क्योंकि क्लासमेट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो क्लासमेट का बुक है अगर आप उसके ऊपर भी देखोगे तो ITC का लोगो आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये क्लासमेट की बुक है, तो यहाँ पे एक ITC का आप लोगो देख सकते हो। मतलब ITC ये पेपर सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कि ये इंडस्ट्री को, ये शेयर को, ये कंपनी को खरीद के अपने साथ जोड़ दिया जाए। उसी के साथ साथ JK पेपर भी आप लोगों को पता है बहुत फेमस है, वो भी कोशिश कर रही थी कि ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री इस कंपनी को खरीद के हमारे साथ ले लिया जाए। बट अभी तक ये जो डील है वो सफल नहीं हो रही है। तो यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ हो भी सकती है, फ्यूचर में हो सकती है,
बट अभी तक प्रेजेंटली ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया हुआ है। हाँ, अगर ये वाकई में हो जाता है, ITC अगर इसको खरीद लेता है, तो डेफिनेटली ये शेयर हम लोगों को 50 या फिर 60 70 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ITC ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, NSE के टॉप 10 वाले आने वाली कंपनी है। एंड ऐसी कंपनी जब ऐसे छोटे शेयर को खरीद लेती है तो डेफिनेटली ऐसे शेयर में हम लोगों को बाउंस बैक देखने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर देखने को मिल जाएगा। बट चलिए अभी आ जाते इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर एंड थोड़ा सा हम लोग चेकआउट कर लेते। सबसे पहले मैं जो मेजर बात बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, जो मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, तो 5 साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो कि चार्ट पैटर्न कैसे है। अच्छा खासा चलने वाला चार्ट पैटर्न अभी बहुत ही नीचे आ चुका है। अगर हम लोग शेयर का प्राइस भी लेवल देखेंगे तो 150 के लेवल के भी ऊपर ये शेयर था, जो अभी कट डाउन होकर आप लोगों को 32 पे देखने को मिल रहा है। सो शेयर में 70-80% की गिरावट है। तो सारे अगर पेपर शेयर अगर आप देखोगे तो यूजुअली इसमें उतना इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट नहीं है। उसी के साथ साथ अगर ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देख लेते तो हम लोग देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न नहीं है, अप ट्रेंड वाला चार्ट पैटर्न नहीं है। तो चलिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ डिटेलिंग देख लेते हैं ओरिएंट पेपर से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पिछली भी बातें कुछ देख सकेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 52 वीक हाई एंड लो। तो 52 वीक लो अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए 23rd August 2019, अभी इसने फ्रेश 52 वीक लो बनाया था 20 रुपये के आसपास। बट उसके बाद ये 32 रुपीज़ का जंप हम लोग को इसलिए देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिक को बैन करने की बातें सामने आ रही है। अगर हाई 52 वीक की बात करें तो ये 53 तक हाई बनाया था। अगर हम लोग फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें 27 सितंबर की, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पेपर इंडस्ट्री में बाइंग कर रहे हैं, मतलब करीब करीब 9,72,162 इतनी क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है, जिसमें से 5 लाख 5.5 लाख से भी ज़्यादा डिलीवरीज उठाई जा रही है। इसीलिए परसेंटेज ये करीब करीब 60% डिलीवरी उठा के, मतलब शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी पॉजिटिव हो रहे पेपर सेक्टर को रिलेटेड, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसी बात बोली है, तो पेपर सेक्टर के लिए आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे ही चार्ट पैटर्न देखा होगा तो बहुत सारे लोगों को क्लिक भी हो चुका होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही सोचा है, क्योंकि अर्लियर क्वार्टर की बात करें तो 3,200 के ऊपर ₹3,00,000 का प्रॉफिट था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वह 1,000 के नीचे भी आ चुका है। ये क्वार्टरली प्रॉफिट वापस भी अब जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अभी प्लास्टिक को बैन करने की बात हो रही है, तो आगे जाके पेपर में बिजनेस बढ़ सकता है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तो आप ऐसी भी लॉजिक लगाया जा सकता है। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो 2019 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, जो कि 0.50 एंड 0.60, मतलब 50 पैसा एंड 60 पैसा ऐसा कंपनी ने 2019 में 2 बार डिविडेंड दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 38.52% के शेयर ये प्रमोटर्स के पास है। एंड प्लेज कितने हैं शेयर वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं, वो सी नंबर का कॉलम आप सभी लोगों को पता है। तो कोई भी शेयर प्रमोटर ने इस कंपनी के गिरवी नहीं रखे एंड कोई भी ऐसी फंडिंग नहीं उठाई हुई है। सो ओवरऑल अगर हम लोग ये सारी चीज़ें देखें तो एट प्रेजेंट सिचुएशन पे आप लोगों को क्लियर कट ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा ही इंडिकेटर आता है। बट प्राइस रिवर्सल इसीलिए हो सकता है क्योंकि न्यूज़ बेस के ऊपर अभी सारे पेपर इंडस्ट्री एंड जो जितने भी शेयर्स है वहाँ पे हम लोगों को प्राइस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और एक शेयर देखे दिखाना चाहता हूँ, जो है ITC। बहुत सारे लोग ओरिएंट पेपर खरीदने की सोच रहे थे, इससे अच्छा आप ITC में ही एंटर कर लोगे तो आप लोगों को डबल फायदा हो जाएगा। सबसे पहले आप ऐसे शेयर में एंटर कर ले जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ITC ने अभी तक 7 बार बोनस दिया हुआ कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन है, जिन लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म का रहेगा उन लोगों ने ही ITC जैसे शेयर में एंटर करना चाहिए। आप सभी लोगों ने अभी मैंने बोनस कैसे एक्सप्लेन किया था वो वीडियो देखा ही रहेगा, तो बोनस वाली कंपनी में आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि पेशेंस इज़ अ की वर्ड। वहाँ पे आप लोगों को रुकना चाहिए बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब कंपनी बोनस देती है तो आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़ते चले जाते हैं, तो ITC ने भी ऑलरेडी 7 टाइम बोनस दिया हुआ है। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में ITC का शेयर है तो उनको यही कहूँगा आपको होल्ड करना है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि ITC का शेयर आप देख सकते हो, ITC का शेयर और भी खरीदने के फायदे, क्योंकि इनके जो बिजनेस है अलग अलग है। होटल सेक्टर में ये कंपनी है, सिगरेट भी बनाती है कंपनी, जैसे मैंने बताया कि पेपर सेक्टर से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है कंपनी। एंड सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है तो मॉर्गन स्टैनली ने ITC का जो टारगेट है अभी फिलहाल के लिए 360 कर दिया है,
मतलब यहाँ से 100 रुपया और जंप ITC कर सकता है, बट मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। सो ओवरऑल यही कहना चाहती हूँ, जितने भी ये ब्रोकिंग फर्म्स है या फिर रेटिंग एजेंसीज जो फर्म्स है, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, वो यही बताती कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जिसमें आप लोगों ने इंटर किया तो आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। तो ITC टिकट पे भी आप लोगों के कुछ मैं डिटेलिंग बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो 52 एक हाई के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं, सो 310 इसने ये 52 हाई बनाया था एंड लो आप देख सकते हो 234 तक लो बना दिया था। उसी के साथ साथ फ्राइडे की क्लोजिंग भी देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों को 36% की बाइंग देखने को मिल रही है ITC में। एंड अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखे तो आप देख सकते हैं कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, इसके ऊपर भी आप लोगों को 50 लगाने हैं, इतनी ज़बरदस्त कंपनी है। तो यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करने से पहले। जो लोग पूछ रहे थे सर क्या ओरिएंट पेपर में एंटर कर सकते हैं क्या, टेक्निकली फंडामेंटली अगर हम लोग हिस्ट्री के बेस पे देखें तो मैं आप लोगों को मना करूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी आप लोगों ने देखा, रिजल्ट भी देखे, इतने अच्छे नहीं है। बट बहुत सारे लोग रिस्क लेना पसंद करते, न्यूज़ के ऊपर बिलीव करते कि इसका फ़ायदा न्यूज़ का, अगर प्लास्टिक को कम्प्लीटली रोका जाए तो पेपर इंडस्ट्री को होना है। एंड अगर आप उस बेस के ऊपर रिस्क लेना चाहते हो तो आप चाहो तो ओरिएंट पेपर में निवेश कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट स्टिल मैं इतना आप लोगों को कहूंगा कि निवेश करना ही चाहते हो तो छोटे अमाउंट के साथ कीजिए, डायरेक्टली लमसम अमाउंट डाल के अपने आप को मत फंसा लीजिए। छोटा सा निवेश करोगे उसके बाद अगर कंपनी के वाकई में अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने लग गए तो आप और भी अपना निवेश बढ़ा सकते हो, तो ऐसा आप सेफली खेल सकते हो। बट इससे अच्छा जैसे मैंने कहा कि अगर आप ITC में एंटर करोगे तो ज़्यादा सेफ रह सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हो ITC में भी 3 गुड न्यूज़ भी आई थी, अभी हाल ही की फ़िलहाल की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। सबसे पहली गुड न्यूज़ थी कि ई वैपिंग थी, इलेक्ट्रिक जो ये रहती है ना सिगरेट्स, उसको ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। अभी कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट्स रहती है वो कम्प्लीट बैन हो चुकी है इंडिया से। सो इसका फ़ायदा अगर आप देख सकते हो जो ITC को डोमेस्टिक कंपनी को हो जाएगा। उसी के साथ साथ सेकेंड जो बात है पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड, प्लास्टिक को बैन करने की बात की तो पेपर इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रोथ में देखने को मिलेगी। एंड थर्ड बात थी होटल से रिलेटेड, जो कि इनका भी बिजनेस है, कि GST में कटौती कर दी है। सो अगर ये ओवरऑल बातें देखें तो ITC आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, तो इसके ऊपर प्लीज़ स्टडी करना, रिसर्च करना एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।